आप ही देख सकते हैं इतना ज्यादा कैटरपिलर है। ये पत्थर को खाते हैं, ये मालिक है। हाय फ्रेंड, आप सभी को फिर से मेरे चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैटरपिलर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैटरपिलर है, तो उसी को लेके मैं आप लोगों को मैं अब जाके मैं दिखाती हूँ। अब यहाँ पे देख सकती है, ये है घर। एक दीदी का वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे मैं जाके आप लोगों को दिखाती हूँ। चलो चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकती है दो क्यूट सा पीक है, इतना ज्यादा व्हाइट है। वाओ, अब यहाँ पे देख सकती है, यहाँ पे गौरी दाना बनाने के लिए यहाँ पे देख सकती है। यहाँ पे आग जलाता है, ये देखिए, ये पूरा गौरी के लिए, पिक के लिए। ये देखिए इतना सारा लकड़ी जमा करके रखा हुआ है, ये पिक के लिए पूरा दाना है यहाँ पे। ये देखिए सिल्क वर्म ऐसे पाला जाता है। ये देखिए सिल्क वर्म का छोटा छोटा बच्चा है, ये पट्टा का ऊपर में है, ये पट्टा को काट के बड़ा हो जाता है। अब तांदा दिन है, तांदा दिन में कपड़ा बंद करके पाला जाता है। ये थोड़ा सा बड़ा होने के बाद फिर यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे रखा जाता है। ये देखिए इतना ज्यादा बड़ा हो गया है, चेंज करते रहना पड़ता है। ये देखिए वाओ, इतना सारा सिल्क वर्म में। ये देखिए के नीचे में भी इतना ज़्यादा है खाने के लिए, सिल्क वर्म का खाने के लिए। यहाँ पे पूरा ब्लैक देख रहे हैं ना, ये पूरा सिल्क वर्म का टॉयलेट है ये पूरा।
आप भी देख सकते हैं इतना ज़्यादा कैटरपिलर है। ये पत्थर को खाता है, ये मालिक है, ये यहाँ का मालकिन है। यहाँ पे देख सकती है ये मुर्गी का घर है, दोनों को एक साथ बनाया गया है। एंड यहाँ पे देख सकती है सिल्क वर्म वाइट होने के बाद, बुरा होने के बाद यहाँ पे रखा जाता है बस्ता में। रखने के बाद ये बच्चा पैदा करने के लिए, अंडा देने के लिए यहाँ पे रखा जाता है। जो वाइट वाइट डेका है ना, वो सिल्क वर्म का अंडा देने के लिए बनाया गया है। अब मैं वहाँ से अभी घर जा रही हूँ। एंड अगर आप सभी को आज की ब्लॉग अच्छी लगी तो मुझे लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर कर देना, ताकि मैं आप सभी के लिए और अच्छी अच्छी ब्लॉग ला सकूँ। एंड आज की ब्लॉग यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ, एंड नेक्स्ट ब्लॉग पर फिर से मिलते हैं। बाय बाय।